कहीं सुना था कि कभी कभी ऐसे रास्तों पे भी चलना चाहिए जहाँ कोई रास्ता ना हो, तो हम भी आज सड़क पीछे छोड़कर पानी पे रास्ता ढूंढने चले आए। प्लान लैन कुछ नहीं था, बस एक गांव से दूसरे गांव तक नदी के किनारे का रास्ता समझना था। गांव में बना एक पुराना घर देखना था जिसे नितिन और गौरव आगे चल के शायद एक होम स्टे की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो आइए आप भी इस छोटी सी फॉरेस्ट रिवर हाइक पे हमारे साथ चलिए। वैसे ही चल रहे हैं जैसे कभी मानव सभ्यता की शुरुआत हुई होगी। इसी तरह लोग चले होंगे नदियों के किनारे, शायद खेतों को देखते हुए कहाँ फसल कर सकते हैं, कहाँ रहने के लिए बढ़िया ढूंढ सकते हैं। नदियों के किनारे जीवन के किनारे की तरह ही हैं, तलाशते रहते हैं स्नेहा। यहाँ जंगल के बीच इस छोटी सी नदी के आसपास बस नेचर का शोर था, मगर हम अपने शांत होते मन को भी महसूस कर पा रहे थे। पानी कहीं ध्यान में लीन था तो कहीं मानो कोई गाना गा रहा हो। एक पत्थर से दूसरे पर कूद फांद करते हुए हमारी बॉडीज जितनी एक्टिव थीं, थॉट्स उतने ही इनएक्टिव। पत्थरों पर पानी ने तस्वीरें तो बनाई थी, मगर उन्हें पार करने के लिए रास्ते हमें खुद ढूंढने थे। यहाँ से चढ़ जाए है नितिन भाई, ये जाता है बिल्कुल ही ऊपर निकल जाए। जब ना मंजिल का पता हो और ना कहीं पहुंचने की जल्दी हो, तभी शायद सफर सबसे ज्यादा मजेदार लगता होगा। ये एक गेम जैसा लग रहा था, बिना गूगल मैप्स के नदी में रास्ता ढूंढ रहे थे। यहाँ नदी मैप थी, बस किनारे किनारे चलना था। अब कौन से छोर पर चलना है ये चलने वाली की मर्जी।
फिसलन है, ये भी फिसलन है भाई। उस पर मत रख, उस पर रख पैर फैला के, तो उसको पकड़ ले हाथ से, पकड़ ले। वहाँ पे आधा है। बहती नदी के पानी के छींटों से जो ताजगी मिलती है उसका कोई जवाब नहीं। ये वही एहसास है जो हमें रियलाइज कराता है कि ऊंची इमारतों के टैंक वाले पानी को हम गीजर से गर्म और फिल्टर से साफ तो कर रहे हैं, मगर उनकी ताजगी कहीं बहुत पीछे किसी नदी में छोड़ आए हैं।